नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 6वीं बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की लैंडिंग व पार्किंग की ऑनलाइन अनुमति हेतु सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। अब हेली कंपनियों को लैंडिंग व पार्किंग के लिए अनुमति लेना आसान होगा। इसके लिए शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा कराया जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ucada.uk.government.in के माध्यम से परमिशन सीधे उत्तराखंड नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण से मिलेगी। पहले इसके लिए संबंधित जिले से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब जिला स्तरीय अधिकारियों को इसकी सिर्फ सूचना देनी होगी। परमिशन सीधे यूकाडा से ही मिलेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण के वाणिज्यिक कार्यों के लिए एवं सिविल एविएशन के व्यवस्थित एवं स्वर्णागिर विकास के लिए एक कंपनी का गठन किया जाएगा। सिविल एविएशन के वाणिज्यिक कार्यों के संपादन नियंत्रण एवं नियामक की भूमिका निदेशालय स्तर से संपादित की जाएगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा एवं मेडिकल इमरजेंसी हेली एम्बुलेंस की सुविधा के दृष्टिगत राजकीय वायुयान B-200 के स्थान पर एक डबल इंजन एवं एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर क्रय करने पर सहमति बनी। सहस्त्रधारा हेलीड्रोम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री सचिन पूर्वे, श्री दिलीप जावलकर, श्रीमती सौजान्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण श्री आशीष चौहान एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए देहरादून से ब्यूरो की रिपोर्ट।